जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि नेटफ्लिक्स की ओर से अभी कुछ दिन पहले ही उनकी 2024 में रिलीज की जाने वाली सभी बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड नई नई मूवीज के बारे में अनाउंस किया गया था। तो एक बढ़िया सा ट्रेलर रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स की ओर से, जिनमें हमें सभी नई नई मूवीज एंड सीरीज की पहली झलक देखने को मिली थी। लेकिन उस वीडियो को देखने से कुछ क्लियर नहीं पता चलता कि कौन सी नई नई मूवीज आने वाली है और ये कब हमें देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं सब के बारे में जो भी अभी तक की अपडेट मिली है लेटेस्ट, उन सभी के बारे में ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले बात कर देते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट हिंदी वेब सीरीज ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु के सीजन 2 के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि इसको लेके अभी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। तो फाइनली अभी नेटफ्लिक्स की ओर से इस सीरीज के बारे में भी अपडेट दे दी गई है कि अभी इस सीरीज की शूटिंग चल रही है, जिसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें इसी साल के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। मतलब कि जून और जुलाई के आसपास हमें देखने को मिल सकती है ये सीरीज, जो इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें हमें कहानी और भी इंटेंस होते हुए देखने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही एक नई सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है कंधार हाईजैक, जो एक सच्ची कहानी होने वाली है काफी टाइम पहले इंडिया में हाईजैक हुए एक प्लेन की, जिसको पायलट्स पहले अमृतसर में लैंड करवाना चाहते थे। उस प्लेन को कंधार में ले जाना पड़ा, जहां पे करीब 7 दिन के लिए ये प्लेन अटका रहा, और सभी के सभी पैसेंजर्स पूरे 7 दिनों के लिए ही इस प्लेन में बंद होकर रह गए थे। तो पूरी सिचुएशन क्या थी, जो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे लंबा हाईजैक रहा है अभी तक का, तो पूरी की पूरी कहानी को पूरी डिटेल में जाएगा इस वेब सीरीज में, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको देखने के लिए हमें इस साल के एंड तक का वेट करना पड़ेगा, जिसकी रिलीज डेट इस साल के लास्ट क्वार्टर में होने वाली है, जिसकी अभी शूटिंग चल रही है और काफी लंबी चलने वाली है इसकी शूटिंग। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है डब्बा कार्टल, जिसमें हमें हिंदी मूवी इंडस्ट्री से कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली हैं, और कहानी एक बड़े ड्रग कार्टल की होने वाली है, जैसा कि आपको इस सीरीज के टाइटल के साथ अंदाजा हो ही रहा होगा कि इसमें एक डब्बा गैंग होने वाला है, जो डब्बे में खाने के साथ साथ ड्रग्स को भी सप्लाई करने वाले हैं। तो थ्रिल तो बड़ा बनने वाला है इस सीरीज में, जो भी हमें इसी साल में देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है इस साल के थर्ड क्वार्टर में, जो हमें जुलाई से लेकर सितंबर के आसपास देखने को मिलेगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज के 2 सीजन रिलीज किए गए थे, जिसका नाम है मिसमैच। तो अभी इस सीरीज का सीजन 3 भी रिलीज होने वाला है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो हमें हो सकता है कि अप्रैल मंथ में ही देखने को मिल जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा जून मंथ में, क्योंकि मई मंथ में रिलीज करने के लिए एक और बड़ी वेब सीरीज को प्लान किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में रिलीज की गई थी एक बड़ी क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर, जिसे नीरज पांडे जी की ओर से बनाया गया है, और इस वेब सीरीज को काफी पसंद भी किया गया, और लास्ट ईयर में ही इस सीरीज के सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया गया था, जिसमें हमें इस बार बंगाल की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो अभी इस वेब सीरीज की भी प्रोडक्शन चल रही है, जो भी हमें इस साल के थर्ड क्वार्टर में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी भी रिलीज डेट होने वाली है अगस्त मंथ के आसपास, जिसके बारे में हमें जून या जुलाई मंथ में कन्फर्म पता चल जाएगा। इसके बाद बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा है एक बढ़िया सस्पेंस इमोशनल इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 का, जिसको वैसे लास्ट ईयर में ही रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कई वजहों से इसकी शूटिंग पेंडिंग होती रही, जो काफी टाइम से रुक रुक कर चलती रही है, और अभी भी इसकी प्रोडक्शन चालू है, बट ये सीरीज हमें इसी साल में देखने को मिलेगी ये तो कन्फर्म है, जिसकी रिलीज डेट इस साल के मिड में होने वाली है, मतलब के जून जुलाई के आसपास, जिसका टीजर या ट्रेलर हमें मई या फिर जून मंथ में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी की ओर से एक नई वेब सीरीज बनाई जाने वाली है, जिसका नाम है हीरा मंडी, जो अभी पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है और रिलीज के लिए भी रेडी है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी, और इसको प्लान किया गया है मई मंथ में रिलीज करने के लिए, जिसका टीजर हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, और अभी कुछ दिन पहले ही इसकी प्रमोशन भी शुरू कर दी गई है, जिसके कैरेक्टर मोशन पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं कुछ दिन पहले ही। तो ये एक पीरियड हिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें इंडिया की आजादी के पहले का टाइम दिखाया जाने वाला है, और कहानी लाहौर में सेट होने वाली है। अभी बात करते हैं नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की जाने वाली कुछ बड़ी हिंदी ओरिजिनल मूवीज के बारे में, जिनको भी अभी नया नया ही अनाउंस किया गया है, जिसमें सबसे पहले है एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी दो पत्ती, जिसमें हमें कृति सैनन के साथ काजोल मेन रोल में देखने को मिलने वाली है, और ये क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलने वाली है, और कहानी भी काफी इंटेंस होने वाली है इस मूवी की, जो हमें इस साल के मिड में ही देखने को मिल जाएगी, मतलब इसकी रिलीज डेट होने वाली है जून या फिर जुलाई के आसपास।
इसके बाद पंजाब में सेट कहानी वाली एक नई डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज की जाने वाली है जिसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, जिसमें हमें एक बढ़िया हंसाने वाली कहानी देखने को मिलेगी, वो भी डार्क ह्यूमर के साथ। जब एक लड़के का बुरे वाला ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी में कैसी भसड़ मचती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलेगा, जो हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। और इसकी रिलीज डेट होने वाली है मई मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में इसका ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी रिलीज डेट मोस्ट प्रोबेबली मई मंथ में ही होने वाली है। इसके बाद इसी मंथ में देखने को मिलने वाली है एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मर्डर मुबारक, जिसकी तो अभी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें नेक्स्ट वीक 15 मार्च से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है। और इस मूवी की कहानी में भी हमें काफी बढ़िया इंटेंस क्राइम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी के साथ बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद एक नई हिंदी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। वैसे टाइटल होना चाहिए था मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन इस मूवी की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें हमें सिकंदर नाम के बंदे की किस्मत देखने को मिलेगी, जो उसकी जिंदगी की वाट लगाने वाली है। लेकिन इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी रिलीज डेट इस साल के लास्ट क्वार्टर में होने वाली है, मतलब कि ये मूवी हमें सितंबर से लेकर नवंबर मंथ के आसपास देखने को मिलेगी। इसके बाद अनुपम खेर जी के साथ वायर ऑफ मींस के यशराज फिल्म्स की ओर से एक नई स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी बनाई जाने वाली है, जिसका नाम है विजय 69, जो एक उम्रदराज बंदे की कहानी होने वाली है, जिसे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाएगा नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। और इस मूवी को देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसकी रिलीज डेट इस साल के मिड के आसपास होने वाली है, जो हमें जुलाई मंथ के आसपास नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एक और हिस्ट्री ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है महाराज, जिसमें हमें इंडियन हिस्ट्री में से ही एक बढ़िया सस्पेंस ड्रामा वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जो राजा महाराजा के टाइम की होने वाली है। और अभी इस मूवी की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है, जो हमें इसी साल के एंड में देखने को मिलेगी, मतलब के लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में अनाउंस की गई थी नेटफ्लिक्स की ओर से उनकी डिजिटल प्रीमियर होने वाली एक बढ़िया रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हसीन दिलरुबा का पार्ट 2 फिर आई हसीन दिलरुबा, जो अभी हमें इस साल में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अभी फाइनल स्टेज में चल रही है, मतलब के पोस्ट प्रोडक्शन में, जो हमें इस साल के मिड में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये मूवी हमें अगस्त मंथ के आसपास देखने को मिल जाए, जिसमें हमें विक्रांत मैसी के साथ जिमी शेरगिल एंड सनी कौशल मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, और तापसी पन्नू तो होने ही वाली है, जो इस मूवी की जान है। इसके बाद अभी नेक्स्ट मंथ मतलब के अप्रैल के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया मूवी को अनाउंस भी कर दिया गया है, जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जो एक पंजाब के लेजेंड सिंगर अमर सिंह चमकीला की जिंदगी के ऊपर बेस होने वाली है। और अभी यह मूवी नेक्स्ट मंथ 12 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली है, जिसमें मेन कैरेक्टर में हमें दिलजीत दोसांझ देखने को मिलेंगे और उसके साथ उसकी पार्टनर सिंगर अमरजोत का कैरेक्टर प्ले करने वाली है परिणीति चोपड़ा, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बढ़िया बात है कि हमें हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, बट इस मूवी का ओरिजिनल फ्लेवर रखने के लिए इसके लाइव गाए जाने वाले सॉन्ग्स को पंजाबी में ही रखा गया है, और पंजाबी कल्चर हमें देखने को मिलेगा 1970 और 80 के दशक का। और कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे इस सिंगर की शुरुआत हुई और कैसे ये सक्सेसफुल बना, और कंट्रोवर्सी के चलते हुए इसको कुछ टेररिस्ट की ओर से जान से मार दिया गया। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई ओटीटी पे आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस होती रहेंगी, तो ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।